ये मैत्री बुद्धा स्टैचू का रास्ता है। हम आगे चले गए थे लेकिन अब हमने दर्शन कर लिए बुद्धा स्टैचू के और अब हम चल रहे हैं वापसी सुरू वैली की तरफ। तो हम आ गए हैं वापसी सुरू वाले रोड पे, कारगिल सुरू हाईवे। तो बुद्धा स्टैचू के लिए आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा, 4.6 किलोमीटर है जो स्टैचू है, मैत्री बुद्धा स्टैचू। तो अब हम आगे जा रहे हैं सुरू वैली की तरफ। ये है शंकु विलेज, शंकु वैली, और जो रिवर क्रॉस करके आए हैं वो है सुरू रिवर। ये रूट काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस रूट पे, ऐसे ऐसे बहुत सारे पैच हमें मिले हैं अभी तक बीच बीच में अच्छी रोड भी आ रही है और ऐसी कंस्ट्रक्टेड अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड भी आ रही है। तो ये सुरू रिवर है, अब उसके साथ साथ चलेंगे हम सुरू वैली में। ये देखिए अभी कच्चा रोड फिर पक्का रोड आएगा, बहुत ही लूज ग्रेवल है यहाँ पे, बाइक के लिए बड़ा डेंजर होता ही है लूज ग्रेवल। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वैली लगता है, शुरू वैली शुरू हो गई है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है यार। लूज ग्रेवल आगे फिर तो शंकु से शुरू के बीच में ये पूरा रोड खराब है, अभी लग रहा है एक दो महीने में बन जाएगा बढ़िया रोड, टॉप ऑन टॉप जाएगा फिर तो। तो देखिए ट्रेडिशनल गांव, ओ हो क्या हो रहा है, और कहाँ बस बुला ले, बुला ले, दे दे उसको, दे दे। चलो बाय बाय। एक चेक पोस्ट आया था यहाँ पे हमने बाय एंट्री कराई है अपनी बाइक की और अब हम जा रहे हैं रंगदुंग की तरफ। बीच में देखते हैं कोई अच्छा अगर स्टे मिला तो बीच में भी ले सकते हैं, रिवर साइड होगा तो। तो हम यहाँ से आए हैं, ये देखिए नीचे जो वैली नज़र आ रही है सुरू वैली, तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं अब तो, और ठंड बढ़ती जा रही है, लग रहा है वार्मर निकालना पड़ेगा। व्यू पॉइंट पे रुके हैं, यहाँ चाय पीने, सामने है ग्लेशियर, कितना बड़ा ग्लेशियर है, फीकी जो भी है फीकी स्ट्रॉन्ग बनाना। बिना शक्कर के करना है, स्ट्रॉन्ग करना, थोड़े स्ट्रॉन्ग, हाँ, और तेज पत्ती तेज। कुम है ग्लेशियर, और कहते हैं कि ये इस ग्लेशियर को देखने सबसे पहले फॉरनर ही आते थे, इंडियन बहुत कम आते थे। ये बहुत बड़ा ग्लेशियर होता था, अब ड्यू टू ये वेदर के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये बहुत छोटा हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा ग्लेशियर होता था, अभी भी काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा ग्लेशियर नज़र कम ही आता आजकल। तो हमने यहाँ पे अभी चाय पी है और मैंने तो अंडे भी खा लिए, थोड़ा ताकत आएगी। और ये हमारी बाइक खड़ी है, ये कपिल भाई, मज़ा आ रहा है कपिल भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, चलो बढ़िया। तो अभी चलते हैं सीधा रंगदुम, आज वहाँ स्टे करेंगे और कल पदुम। रंगदुम यहाँ से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस और है रंगदुम का, और 52 मिनट्स दिखा रहा है, और कह रहे हैं कि यहाँ
तीन चार किलोमीटर अभी ख़राब रास्ता मिलेगा, उसके बाद बढ़िया रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में पैचेस है, कुछ ख़राब है कुछ ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है टू लाइन का, पहले वन वे है अभी टू वे बना रहे हैं, इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। तो अब अंधेरा होने वाला है, जब तक लाइट है तब तक तो थोड़ी वीडियोग्राफी करेंगे, फिर आपको सीधा मिलेंगे रंगदूम में। पंचला पास है 54। 8:26 पे हम पहुंच गए हैं रंगदूम, ये है रंगदूम विलेज। और अब हमने देखना है अपना होम स्टे कहाँ मिलेगा। होम स्टे हम हैं अभी रंगदूम में, और ये हमने होम स्टे ले लिया है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार अंदर से। तो भाई ने 1000 रुपये मांगे थे, तो हमने बार्गिंग करके 800 रुपये में मना दिया है। एक कमी है भाई, इसमें बेड नहीं लगे हुए। बेड अभी कह रहा है भैया सफाई करनी है, कुछ बेड तो लगा रखे हैं बाहर, लकड़ी का बना हुआ। ये देखिए, ये है हमारा आज का आशियाना, और रूम बहुत बढ़िया मिल गया है 800 रुपये में। 1000 मांग रहा था भाई से, हमने थोड़ी बार्गेनिंग करी तो 800 रुपये में मान गया। तो मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए बड़ा कोजी और गर्म कमरा है, बिल्कुल मज़ा आ गया। और ये मेरा चार्जिंग सेटअप मैं लेके आया था, और ये मेरा बिग पेनियर। तो आज की राइड सबसे हैटिक रही, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रेक लिए हमने, आराम से चलते भी आए, और बहुत जगह हमने एक्सप्लोर भी किया। और शंकु वैली तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। और उससे पहले हमने मैत्री बुद्धा जो स्टैचू देखा, वो तो अमेजिंग था यार, 1000 साल पुराना। कंप्लीट वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। जो हमने जोजिला पास 0 पॉइंट हमने देखा, और जोजिला वार मेमोरियल देखा, अमेजिंग था। आज की राइड तो कमाल की थी, कारगिल द्रास वार मेमोरियल एवरीथिंग। तो आज का ब्लॉग ज़रूर देखना, ये आपको 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है इस समय। तो आपको ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं? आज हमारा day 3 एंड होता है, तो एक कमेंट ज़रूर करना, कुछ भी आपको पूछना हो मैसेज कर सकते हैं आप मुझके इंस्टाग्राम पे, jart_on_wheel मेरी इंस्टा आईडी है। और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ये हमारे कपिल भाई, कुछ बोलोगे? अभी तो नहीं बोलूँगा। राइड कैसी चल रही है ये? राइड बहुत अच्छी चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बस थोड़ी सी थकान हो गई है, कल सुबह तक सब सही हो जाएगा। और कमरे रूम सब बढ़िया मिल रहे हैं? खाना पीना बहुत बढ़िया मिल रहे हैं। तो कपिल भाई भी मेरे साथ फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं, मुझे भी बहुत एंजॉय हो रहा है, तो कपिल भाई को भी अच्छा ही लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। नए बंदे के साथ ट्यूनिंग मिलना ना बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है। जो सोचा था वैसा नहीं है। अच्छा, नए बंदे के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो बस अब आज सुबह का व्यू दिखाएंगे यहाँ का, और मज़ा आ जाएगा, बहुत ही शानदार है रंगदूम। तो हम पदुम यहाँ से लगभग 140 या 150 किलोमीटर है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। और कल भी बहुत ही शानदार व्यू देखने वाले हैं, कल पूरा हम पदुम भी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जल्दी पहुँच जाएंगे। तो बने रहना मेरे साथ और सारी सीरीज़ देखना। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ट राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद, सायोनारा।